और देखिए दिल्ली नहीं पूरा फॉल चौथा मुझे गदर तुम्हे मैंने जो गदर बचाया है उसे आप सब बेशुमार प्यार दे रहे मेरी पुलिस को आप और प्यार दे। अक्षय कुमार फोटो क्या मैं अक्षय कुमार एक बार फिर आप सबको स्वागत करता हूँ। नीरज तो पूरा घूम घूम के खेल रहा है। नीरज कहाँ कहाँ खेल रहा है? आगे भी आओ, एक पैर पे चलो चलो, एक पैर पे दिखा दो, आज दिखा दो भाई डांस। नीरज ओके नीरज हमारे साथ नीरज कहाँ से हो आप? जी मैं बेसिकली गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर, अरे यार आज तो यूपी वाले और यूपी वाले ही बहुत आ रहे हैं, अच्छी बात है। और भाई सो नीरज क्या करते हैं आप? जी गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब है? ओ माय गॉड, यंग इंडिया शो में गवर्नमेंट जॉब वाले भी आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट अवेयरनेस पे क्या कर रही है? किस पे? अवेयरनेस पे। पब्लिकली नहीं बोल सकता, पब्लिकली नहीं बोल सकते। इंडिया, यंग इंडिया क्या कर रही है? यंग इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, ये अगर अवेयर कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं पहली बार अभी आया हूँ यहाँ पे, मतलब राउंड प्लेस में हाल ही में जॉब लगी तो यहाँ आया देखा। और ये आप जो IIM छोड़ करके आगे ये चीज आप कर रहे हो जी। ये इसके लिए एक गट सुना चाहिए जो आप कर रहे हो उसके लिए। उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाँ बहुत मेहनत लगती है, गट्स लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है इसके लिए डेफिनेटली। बट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम चाहते हैं गवर्नमेंट को और सपोर्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आती है, गवर्नमेंट स्कीम्स आती है, हम चाहते हैं वो स्कीम्स हमारी जनता को, पब्लिक को मालूम पड़े कि भाई उसका एटलीस्ट बेनिफिट ले सके वो। ठीक है, तो ये यंग इंडिया शो है जिसमें हम अवेयरनेस करते हैं लोगों के, लोगों अवेयरनेस पे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि उनकी अवेयरनेस बढ़े। बस इतना सा इनिशिएटिव है मेरा और यंग इंडिया शो का, ताकि हर एक कोई बहुत अवेयर हो। ओके सो नीरज रेडी है आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करने वाले हैं हम? कोई गेम यस, कोई गेम स्टार्ट होने वाला है। यंग इंडिया शो में गेम स्टार्ट करेंगे और गेम हमारा आएगा आपका फुटबॉल या क्रिकेट, कोई चॉइस है आपके पास? देखिए दोनों में हाथ तंग है लेकिन क्रिकेट खेलेंगे। दोनों में हाथ तंग है? Yes. क्रिकेट खेलेंगे टीम प्लीज। ये क्रिकेट खेलेंगे और इनके लिए क्रिकेट पेश किया जाए। और यस हम आप टाइमर लगाएंगे और हमारी टीम काउंट भी करते रहेगी और आपको एक मिनट के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्म करना है। ठीक है, पता है आपको? चलो 3 2 1 स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नीरज तो पूरा घूम घूम के खेल रहा है। नीरज कहाँ कहाँ खेल रहा है? आगे भी आओ, एक पैर पे चलो चलो, एक पैर पे दिखा दो, आज दिखा दो भाई डांस। बहुत अच्छा डांस ट्राई किया आपने, एक पैर पे। अरे वो तो था कि हम आपसे एक पैर पे भी करवाएं, बट आपने अच्छा परफॉर्म किया। कितना किया इन्होंने? 30 किया, फिर भी काफी अच्छा स्कोर किया आपने एक पैर के ऊपर। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो नीरज आप क्या होता है इसके बाद? क्वेश्चन आप पूछेंगे? क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे और आपको आंसर सही देने होंगे। सही आंसर देने पे मिलते हैं 100 rupees, 100 rupees पर क्वेश्चन। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। देखो फिजिकल टेस्ट हो गया आपका। जी जी। फिटनेस टेस्ट हो गई आपकी। जी। अब होगी आपकी मेंटल हेल्थ टेस्ट, कितनी आप एक्टिव हैं। सही आंसर और गलत से नहीं मतलब हमें, हमें मतलब है कि आप ट्राई करो बस, इतना चाहिए हमें, राइट? चलिए तीन क्वेश्चन लाएंगे हम और नीरज से हम क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है अवेयरनेस के ऊपर। और अवेयरनेस में मतलब नॉलेज बढ़ेगी हमारी, अवेयरनेस बढ़ेगी, राइट? और अवेयरनेस पे यंग इंडिया जो की इनिशिएटिव है हमारा, सो तभी से पार्टिसिपेंट ही निकाले। अब आप निकालो माइक बंद है। अच्छा हाँ, चलो आपके लिए मैं निकालूं? हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से देख रहे हैं सारे पार्टिसिपेंट ही निकाल रहे हैं। आप मेरे लिए कब से देख रहे हो? लगभग 2 घंटे से देख रहा हूँ। 2 घंटे से देख रहे हैं, मैंने टीम बोला था आपको ना, वेटिंग वेटिंग बहुत हो जाती है। 2 घंटे से मैं वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आप चाहते हैं मैं निकालूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ वो मैजिकल वर्ड बोलेंगे आप जो मैं बोलता हूँ? यस पक्का। ओके याद आ गया। चलो मिलके
बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं सबने सबके लिए सबने निकाला है खुद से इनके लिए बोल रहे हैं मैं निकालू पता नहीं ऐसा कौन सा मैजिक है इनका बट ओके वी कैन ट्राई चलो आपके लिए पिंक भी निकालूंगा मैं आपके लिए मैं कोई ग्रीन निकालता हूँ ठीक है सो आपके लिए मैंने ग्रीन निकाला है और ग्रीन आ गया है क्वेश्चन आप पढ़ेंगे प्लीज क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन क्या है इनके एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद ओके क्वेश्चन इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई 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 देखो यूपीआई क्वेश्चन पहले भी आ गया था हमारा यूपीआई अगर गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है तो क्या करोगे तो मैंने बताया था आपको आपको बताना है आप यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है यस यस आंसर इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या लगता है नीरज का आंसर सही है सही है सही है आंसर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म सही है श्योर लॉक कर दिया ओके ओके पब्लिक श्योर है सही है क्वेश्चन कैसा था थोड़ा सा यस प्लीज थोड़ा सा कंफ्यूज था लेकिन बोला ना स्टेज पे आने के बाद एक्सप्रेशन चेंज होते हैं सर क्योंकि प्लेटफॉर्म पे आना थोड़ा सा पसीना निकलता है थोड़ा सा अच्छा लगता है ऑलराइट सो सो आपका आंसर सही होता है इसलिए आपको मिलते हैं 100 रुपीज और 100 रुपीज हम आपको तुरंत देते हैं अभी के अभी कैश थैंक यू पैसा निकलता ही नहीं है यार ये है ऐसी चीज है नीरज को पता है कि ये चीज ही ऐसी है नीरज आपको मिलती है 100 रुपीज प्लीज एक बार तालियां बजाएं नीरज के लिए एक बार तालियां हो जाए यार नीरज के लिए आपको पता है मुझे बताने में बहुत गर्व होता है कि हमारी जो यूपीआई टेक्नोलॉजी जो इंडिया की है वो फ्रांस में पूरे इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड में अब काम करना स्टार्ट कर रही है अभी मोदी जी ने फ्रांस में भी इसको लॉन्च किया है पेरिस राइट सो हमारी यूपीआई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा वर्क कर रही है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना बहुत ईजी हो गया हमारे लिए सो नीरज थैंक यू सो मच पहले अभी कुछ दिन पहले नेपाल में भी इसका हो रहा था नेपाल में भी हो रहा है ना पूरे इंडिया में मैं चाहता हूँ यूपीआई छा जाए यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी